अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको रेल फैनिंग पाकिस्तान की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। क्या एक खूबसूरत विसल था आज E20 का। इस वक्त हम बलोचिस्तान के किसी एरिया में खड़े हैं और ये कर्व बहुत ही खूबसूरत कर्व, ये बलोचिस्तान की वो जगह जहाँ से आप पे फिर एक विसल था, मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। जहाँ से आप खड़े होकर, मैं बता रहा था कि आप ट्रेन के एक सिरे से खड़े होकर ट्रेन का दूसरा सिरा बआसानी देख सकते हैं और कितनी कोचिज लगे हैं वो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। और इस तरह जाफर एक्सप्रेस ने आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट शुरू की। हमारा जो अगला स्टेशन होगा जहाँ पे जाके जाफर एक्सप्रेस थोड़ी देर के लिए रुकेगी, वो पेशी रेलवे स्टेशन होगा। मैं इंशाल्लाह को दिखाऊंगा, ये मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। किसी ज़माने में यहाँ पे क्वार्टर्स में लोग रहा करते होंगे, ये भी रेलवे स्टेशन आबाद हुआ करता होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान रेलवे और इंडियन रेलवे की तारीख बहुत पुरानी है। बरतानिया ने अपने दौरे हुकूमत में जो उसने सब बड़े सगीर में किया, कब्जा करके जो सबसे अच्छा काम किया यहाँ के लोगों के लिए, वो रेलवे क्या बनाना था। ऑल्दो के इसके पीछे मकासद उनके अपने थे, लेकिन जाते जाते जो चीज़ यहाँ के लिए बेहतरीन कर गए वो रेलवे दे गए पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। जाफर एक्सप्रेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को पकड़ रही है, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड पर नहीं जा सकेगी। उसकी वजह यहाँ से अब मुसलसल चढ़ाई है जो कि कानपुर तक रहेगी। आप अगर वीडियो में भी गौर करें तो थोड़ा सा कर्व आ गया होगा, थोड़ी सी स्लोप बन गई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इंजन को जोर लगाना पड़ेगा और आपको एक नॉर्मल सी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्पीड आपको दिखाई देगी। और दूसरा, हवा का शोर भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह के बाद बलोचिस्तान के लैंडस्केप ऐसे हैं कि वहाँ पर अक्सर इस तरह की हवाएँ चलती रहती हैं। शदीद गर्मी का मौसम था, दिन के वक्त यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है, लेकिन रातें यहाँ पर अच्छी जो है पुरसकून रातें होती हैं। यहाँ पर हवा चलने की वजह से जो खुश पहाड़ हैं वो गर्म जल्दी हो जाते हैं। यहाँ तो ड्राइनेस आपको नज़र आ रही होगी, ग्रीनरी बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपने ग्रीनरी देखनी है तो ज़ियारत और हनाई दो बेहतरीन जगह हैं बलोचिस्तान में, जहाँ पे आप ग्रीनरी देख सकते हैं, जहाँ पे आप चश्मे आबशारे देख सकते हैं। और लोग के आगे जो बोलान वाली आएगी वहाँ पे भी आपको बेशुमार चश्मे नज़र आएंगे, बेशुमार आपको नदी नाले नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता टनल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है, आपको टनल्स मिलेंगी यहाँ पर। एक टनल जो आगे आ रही है, ये एक टनल ख़त्म हुई जो कि बहुत लंबी टनल थी। इसके बाद एक और टनल, इस छोटी टनल से पहले जो लंबी टनल आपने देखी वो रोड़ी चमल लाइन पर फौजान टनल के बाद सबसे बड़ी टनल है।
कलर नंबर थ्री, शदीद गर्मी के बावजूद मैं यहाँ पर खड़ा था रेलवे के अपने कोच के पायदान पर और वीडियोस बना रहा था आप लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी जो वीडियोस बनाई गई हैं ये आप लोगों को पसंद आए और आप मुझे गाइडेंस देते रहें, जो मैं कोई गलत बात करूँ आप मुझे बताते रहें, मेरी रहनुमाई करें कि मैंने गलत बात कही है ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर सकूँ और मेरी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। RG20 जाफर एक्सप्रेस को लीड कर रहा है, RG20 ए टनल के बाद बात पूरी करता हूँ। RG20 H30 के बाद वो इंजन है जहाँ पर जिस पे AC नहीं है और ये फिर एक टनल, टनल नंबर 5। मैं आपको बता रहा था RG20 H30 और RG20 दो वो इंजन है जो कि रेगुलर यूज़ में है पाकिस्तान रेलवे के, लेकिन इनमें एयर कंडीशन नहीं है। इसके बस जो ZCU और HGMU और GEU की सीरीज है उसमें एयर कंडीशन है ड्राइवर हजरात के लिए, लेकिन RG20 और H30 में AC नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इंजन्स के अंदर, इन दोनों इंजन के अंदर। पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इन दोनों इंजन में एटलीस्ट एयर कंडीशन प्रोवाइड करें ताकि गर्मी का किसी न किसी तरह ड्राइवर तोड़ निकाल सकें। बलोचिस्तान के खूबसूरत लैंडस्केप्स आप देख रहे हैं और उसमें बागती हुई जाफर एक्सप्रेस पहाड़ों का सीना चीरती हुई और पहाड़ों का सीना ही चीर कर ये ट्रैक बनाए गए। हाल लोग हम नेचर से लड़ नहीं सकते, लेकिन ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए दी है, तो मैं अपनी हद में रहते हुए जिसमें खुदाई का दवाना हो सके, जिसमें हम शर्क की तरफ ना जाएँ, हमें इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हम बेसिकली पहचान सकें कि अल्लाह की बड़ाई क्या है, अल्लाह की ज़ात के बारे में हम देख सकें, अल्लाह की ज़ात के बारे में पहचान सकें, अल्लाह की ज़ात को मज़ीद पहचान सकें। और लोग अगर हम सिर्फ अपने जिस्म पर ही नज़र डालें तो हमें एक अल्लाह की एक अजीम शान तख्लीक के बारे में पता चलता है, लेकिन ये दुनिया, ये कायनात जो उसने 7 दिन में बनाए, इसको देखना और इनके बारे में तजिया करना भी एक अजीम शान काम कह सकते हैं जो कि पूरी दुनिया के साइंसदान कर रहे हैं। ये एक और टनल आ रही है, जाफर एक्सप्रेस जो शाम 6:40 पर लाहौर से चली और मुल्तान पे तकरीबन 11:40 पर पहुंची। अब मैंने अपना सफ़र जाफर एक्सप्रेस मुल्तान से शुरू किया 11:40 पर और उससे पहले मैंने मुल्तान में अपना सारा दिन गुजारा ताकि मैं ट्रेन की वीडियो बना सकूं। उन ट्रेन की वीडियो को देखने के लिए आप पाक मेरा दूसरा चैनल पाक रेल जंक्शन को विज़िट कीजिएगा और लाहौर से मुल्तान तक खैबर एक्सप्रेस में जो मैंने ट्रैवल किया वो आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा सफ़र पसंद आ रहा होगा जो कि बलूचिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों से होता हुआ
बेसिकली बलूचिस्तान में ही है, जो कि पहाड़ों इन खूबसूरत पहाड़ों से होता हुआ कोयटा में ख़त्म होगा। ये बेसिकली पहाड़ी सिलसिला जो है कोहे हिंदूकश का पहाड़ी सिलसिला है, जो पाकिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान में जाके कहीं ख़त्म होता है या शायद अफगानिस्तान से भी कुछ आगे, लेकिन मुझे इसकी रेंज का आइडिया है। तकरीबन 1650 किलोमीटर या 1680 किलोमीटर की इसकी टोटल रेंज है। अभी हम लोग पेशी रेलवे स्टेशन के पास पास हैं, थोड़ी देर में हम पेशी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको बर वक्त और टाइम पर मिल सकें, और जो मैं इंफॉर्मेशन और जो वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आप उसको देख सकें। और हम तकरीबन इस वक्त पेशी रेलवे स्टेशन पर एंटर हो चुके हैं। अरे RG20 की खूबसूरत विसल, और आपको पेशी रेलवे स्टेशन दूर से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए शायद स्टे करें। अच्छा, ये मैं बात आपको बताता चलूँ, ईद का चौथा दिन है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लाहौर से कोयटा तक का। जैसे ही मुझे पता चला लॉकडाउन खुल गया है और रेलवे ने अपनी लिमिटेड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया, तो मैंने फौरन ही ईद के चौथे दिन की टिकट बुक करवा ली थी कोयटा के लिए, ताकि मैं एक सफ़र कर सकूँ जो कि काफ़ी अरसे से ड्यू था। ये रहा पेशी का रेलवे स्टेशन। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।